नारायण। उर भट्ट रस्तला दिखा के, उर भट्ट रस्तला दिखा के, भटकैया कत को हे और तोला मोला जी लड़वा के, उच कैया कत को हे। उर भट्ट रस्तला दिखा के, भटकैया कत को हे और तोला मोला जी लड़वा के, उच कैया कत को हे। तोला मोला जी लड़वा के, उच कैया कत को हे। भेदभाव के धर झोल नाकत को झल झोलत हे, और सुपह चुपे चाप हावे चल निमन बोलत हे। और भेदभाव के धर झोलना कत को झल झोलत हे, और सुपह चुपे चाप हावे चल निमन बोलत हे। एकता के हमर फूल ला, एकता के हमर फूल ला, सब झट को हे अब तोला मोला जी उचका के, लड़वैया कत को हे। उर भट रस्तला दिखा के, और भट कैया कत को हे, अब तोला मोला जी लड़वा के, उच कैया कत को हे। अपन पाछू मालू का के टर कैया कत को हे। चोवाराम वर्मा बादल की इस कविता के माध्यम से अब शिक्षाकर्मी वर्ग 3 के अपने उन नाराज साथियों से महासम्मेलन में आने की अपील कर रहे हैं जिन्होंने महासम्मेलन के बहिष्कार का पूरा मन बना लिया है। निश्चित रूप से कविता चोवाराम वर्मा जी का बहुत ही अच्छा, इस प्रदेश के दृष्टिकोण से देखा जाए और ख़ासकर शिक्षा कर्मियों का जो आंदोलन हो रहा है उस रूप से देखा जाए बहुत ही अच्छा कविता उनका है कि अलग अलग जो बांट कर जो है, कुछ लोग ऐसे उकसाने वाले लोग हैं, भड़काने वाले लोग हैं, तो ऐसे लोगों से शिक्षा कर्मियों को सावधान रहना चाहिए और एकता से, एकजुटता से ही मुख्यमंत्री के समक्ष सविलियन की मांग करनी चाहिए। तो इस महासम्मेलन में पूरे प्रदेश के जो शिक्षाकर्मी हैं उपस्थित रहेंगे उनके समक्ष हम बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इस विषय को रखेंगे, जो समस्याएं हैं उनको भी रखेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करेंगे। एकजुटता में ही बल है और एकजुटता से ही हमको सविलियन मिला है, इसलिए प्रदेश शिक्षा कर्मियों को एकजुटता से ही सम्मेलन में भाग लेना चाहिए। शिक्षा कर्मियों के इस महाकुंभ की तैयारियाँ राजधानी के इंडोर स्टेडियम में लगभग पूरी हो चुकी हैं। 30 सितंबर को पूरे प्रदेश के शिक्षाकर्मी राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में जुटेंगे और इस बात की जो है खुशी मनाएंगे कि प्रदेश में शिक्षाकर्मियों का सविलियन का सपना हुआ साकार। मुख्यमंत्री जी का हम कोटि कोटि आभार व्यक्त करेंगे। और रही बात कुछ शिक्षाकर्मी जो हैं अभी आंदोलन में कर रहे हैं उनको भी हम इस कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं। यह कार्यक्रम जो है वो शिक्षाकर्मी हित में है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को पिछले 2-3 महीनों में लगातार ज्ञापन दिया गया जो समस्याएँ हैं उनकी, और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है और माननीय मुख्यमंत्री जी के मन की बात क्या है उसको सुनने के लिए इस महासम्मेलन में प्रदेश के समस्त शिक्षा कर्मियों को यहाँ राजधानी रायपुर में मैं आमंत्रित करता हूँ। और यह कार्यक्रम जो है प्रदेश के आम शिक्षा कर्मियों का कार्यक्रम है क्योंकि पूरे प्रदेश के आम शिक्षा कर्मियों का सहित जो है समस्त शिक्षा कर्मियों का सविलियन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। प्रदेश के वर्ग 3 के शिक्षा कर्मी जो आंदोलन के राह पर हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो सम्मेलन हो रहा है प्रदेश के वर्ग 3 के शिक्षा कर्मियों के लिए स्पेशल सम्मेलन है क्योंकि अगर इस सम्मेलन को किसी को सीधे तौर पर फायदा होगा तो वर्ग 3 के शिक्षा कर्मियों को ही फायदा होगा। संघर्ष, आंदोलन और लड़ाई हमने काफ़ी लड़ी है, अब संघर्ष करने का, लड़ाई लड़ने का ये समय उचित नहीं है। मैं प्रदेश के सारे शिक्षाकर्मी और शिक्षकों से अपील करना चाहता हूँ कि संघर्ष करना, लड़ाई करना हमने काफ़ी हद तक कर लिया है। अब प्रदेश के मुखिया का चूंकि उन्होंने सविलियन जैसी बड़ी सौगात प्रदेश के शिक्षा कर्मियों को दी है तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि इस सविलियन के लिए उनका आभार व्यक्त करें, सम्मान व्यक्त करें। और यह जो सविलियन है वास्तव में अनुपम उपहार है और सविलियन सभी को स्वीकार है
और महासम्मेलन जो है वह संविलियन का आभार है। इसलिए हम निवेदन करते हैं राज्य के समस्त शिक्षा कर्मियों से कि वे इस महासम्मेलन में शामिल हों। रही बात हमारी कुछ विसंगतियां और समस्याओं की, तो संविलियन जैसे बड़े विषय पर जिसका निर्णय 23 सालों में नहीं हुआ था, उसका निर्णय अगर सरकार उसका समाधान 23 दिनों में कर सकती है तो बाकी विसंगतियां भी सरकार से छुपी हुई नहीं है, और हम विश्वास करते हैं कि बाकी मुद्दों का भी सकारात्मक ढंग से समाधान इसी सरकार के द्वारा किया जाएगा। नारायण नारायण।